तीन सालों से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का परीक्षा परिणाम लटकने के कारण धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने आंदोलन तेज करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि इससे पहले भी दिसंबर 2018 में भी क्रमिक हड़ताल की गई थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आश्वासन दिए जाने पर हड़ताल खत्म कर दी गई थी। लेकिन अब जनवरी माह बीत जाने के बाद भी परिणाम घोषित नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बीते 45 दिनों से क्रमिक विभाग से जवाब का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आज तक जवाब न आने पर भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला लिया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि जब तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाता है, तब तक अभ्यर्थी चयन आयोग हमीरपुर कार्यालय के बाहर आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश चयन आयोग हमीरपुर के अधिकारियों के द्वारा विभाग से जवाब न मिलने के कारण परिणाम में देरी हो रही है, जिसके कारण प्रदेश भर के हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अभी भी आयोग की तरफ से जो है प्रतिक्रिया नहीं आई है। उनका यही कहना है कि हमें कार्मिक विभाग से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया है, जो हमने फाइल अग्रेषित की थी शिमला कार्मिक विभाग में। इसलिए इस मुद्दे को हम मीडिया के माध्यम से जो भी बेरोजगार भाई हैं, अभ्यर्थी हैं, 556 से जुड़े हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनसे हमारा यही आह्वान है कि आप कृपया करके यहाँ हमारे समर्थन में आइए और जो 556 का नतीजा है उसको हम यहाँ से लेकर ही जाएंगे। और जब तक वेबसाइट पे जो है अंतिम नतीजा जारी नहीं होता है, तब तक हम जो है यहाँ पे अपनी क्रमिक अनशन जारी रखेंगे।